हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी पॉइंट और मैं हूं अभिषेक सिंह। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो हमारे जीवन और संघर्ष की वीडियो है। तो हम बताएंगे कि हमने अपनी लाइफ में यानी अब तक क्या क्या संघर्ष किए हैं और आगे क्या संघर्ष बाकी है। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और आप भी इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ जरूर सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने जीवन से, यानी हमारा जो जन्म है यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट इटावा में हमारा जन्म हुआ। छोटा सा परिवार है, इसमें हमारे मम्मी पापा, तीन बहन एक भाई, एक बहन और तीन भाई अच्छे से रहते हैं। परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, पिताजी मजदूरी और थोड़ी बहुत खेती जमीन थी, तो जिसमें हम सबका गुजर बसर होता रहा। सभी छोटे छोटे थे और हम सबकी स्कूल जो स्कूलिंग हुई वो प्राइमरी स्कूल में, जो कि सब समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल की क्या पोजीशन होती है और क्या उनका एक स्तर होता है। तो सोचने समझने की बहुत ज़्यादा उस टाइम शक्ति नहीं थी, क्या बनना है ये सोचा नहीं था। प्राइमरी स्कूल हुआ, प्राइमरी स्कूल के बाद सिक्स क्लास में एडमिशन गाँव से 3 किलोमीटर दूर वहाँ पर लिया और सिक्स क्लास के बाद एट्थ और एट्थ के बाद नाइन्थ, जैसे ही आगे बढ़ते रहे तो नाइन्थ में एडमिशन लिया। और एडमिशन नाइन्थ में हमने लिया तो जो कि हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और वहां से हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर पे हमें बस मिलती थी। वहां से बस से उस टाइम स्टूडेंट से 5 किलोमीटर का सफ़र था बस से जो हम जाते थे और 3 किलोमीटर लगभग 4 किलोमीटर अपने गांव से पैदल आते थे जहां से मुझे बस पकड़नी थी। तो जो बस का सफ़र था वो करीब 5 से 6 किलोमीटर का था और जिसके हम स्टूडेंट्स लोग को 2 रुपये उस टाइम देने पड़ते थे। टोटल 5 रुपये किराया था, लेकिन उस टाइम स्टूडेंट्स को 1 या 2 रुपये ले लेते थे बस वाले। और जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारे पास वो 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था जो हम बस में, जिस बस में हम जाते थे कंडक्टर को दे करके और हम स्कूल तक पहुंच सकें। बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब थी हम लोगों की, जो स्कूलिंग थी प्राइमरी में या जो भी हमारी स्कूलिंग हुई, हम सब के लिए नई किताबें नहीं आ पाती थी क्योंकि पिताजी इतना कमाते नहीं थे। जो भी मजदूरी से या फिर जो भी खेत में होता था वो हम लोग के खाने के लिए होता था और बाकी की जो मजदूरी से कुछ होता था वो परिवार का भरण पोषण चल रहा था। तो नई किताबें या किताबें नहीं मिल पाती थी, पढ़ाई ऐसी ही चलती रही। नाइन्थ क्लास के फाइनली हमारे एग्ज़ाम थे तो एग्ज़ाम देने के लिए लगातार जा रहे थे। इंग्लिश का एग्ज़ाम था जिसमें हमें एग्ज़ाम देने के लिए समय पे 9 बजे पहुंचना होता था और उस दिन हमारे पास जो 1 रुपया लगता था वो भी हमारे पास 1 रुपया हमारे पास नहीं था जो हम किराया दे सकें। तो फाइनली हुआ कि मैं जैसे ही गया और 3 किलोमीटर गांव से दूर पैदल चला, उसके बाद मैंने बस पकड़ी और जब कंडक्टर आया मेरे से पैसे मांगने के लिए तो मेरे पास वो 1 रुपया नहीं था और कंडक्टर ने मुझे उतार दिया बीच में ही। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन फिर भी उतार दिया उसने। फिर मैंने पैदल चलने का प्रयास किया लेकिन जब तक मैं बहुत लेट हो चुका था और इतना लेट हो चुका था कि मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा या 1 घंटा बचा हुआ। फाइनली परीक्षा में तो मैं बैठ गया लेकिन वह 9th में मैं फेल हो गया। बहुत दुख हुआ क्योंकि पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। और जब मैं 9th में फेल हुआ तो लोगों ने मजाक बनाया कि कोई 9th में भी भला क्या फेल होता है। उस वक्त मैं अपने एक मामा जी की शादी में गया और बड़े वाले मामा जी ने हमें कहा कि भाई बहुत गलत बात है और आप 9th में फेल हो गए। हालांकि परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो लेकिन फेल होना एक फेल है तो फेल है, मैं फेल हो गया। सबने मुझे बहुत कुछ कहा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और उस समय हमारे गांव में जो भी हमसे बड़े या जो भी हमारे सीनियर गांव के जो लोग थे तो जो बच्चे पढ़ते थे, खास कुछ बैकग्राउंड नहीं था गांव का, हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो जो गाँव में पढ़ रहे थे दो साल में 10th क्लास पास करना एक बहुत बड़ी बात थी। हमने भी यही सोचा कि 10th क्लास जैसे भी पास हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाएगा। तो बस एक मन में ये था कि 10th क्लास पास करना है। फर्स्ट डिवीज़न नहीं पता था क्या फर्स्ट डिवीज़न होती है, बस ये पता था कि केवल हाई स्कूल करना है। फाइनली 2005 में मैंने हाई स्कूल पास किया। उस समय हमारी सेकेंड डिवीज़न आई
हाई स्कूल पास किया, इसके बाद इंटर। इंटर में अच्छी मेहनत की, मैंने सोचा कि फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही जाएगी, लेकिन वहाँ पे कुछ नंबरों से हमारी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई। इसके बाद मैंने बीए किया, और बीए भी मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बस क्योंकि उस समय सोचने समझने की स्थिति, मतलब हमारे अंदर ये क्षमता नहीं थी कि क्या करना है क्या बनना है, क्योंकि जब पारिवारिक स्थिति या फिर आपका जो बैकग्राउंड है इस लेवल का हो, जहाँ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, या फिर आपने कभी जैसे टेंथ के बाद हमने बस या देखी थी, तो वो चीज़ एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड के आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। तो उस हिसाब से मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था कि मैं क्या बनूंगा क्या करूंगा, लेकिन हाँ एक पढ़ने में ठीक था और कोशिश करता था कि कुछ करूंगा। ग्रेजुएशन करा, ग्रेजुएशन हमने एडमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनल मेरिट जब हुई वहाँ पे हमें पीजी कॉलेज हैवरा जो सैफई के पास पड़ता है वहाँ से मैंने पूरा पीजी ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद इकोनॉमिक्स से एमए जो केके कॉलेज डिस्ट्रिक्ट इटावा में पड़ता है, केके पीजी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से एमए किया। और उसके बाद सोचा कि मुझे टीचिंग करनी है, फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे टीचर बनना है, और उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। पहली बार में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और उससे पहले मैंने एक कोचिंग की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाती थी। जीवन की हमारी पहली कोचिंग थी जो मैंने किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमने कोचिंग की। तो रीजनिंग या जो भी चीज़ें थी वो मेरे लिए नई थी, और चीज़ें समझ में नहीं आती थी। एक दिन जो हमारे टीचर थे, जो हमारे शिक्षक थे, वो हमें पढ़ाते थे, तो मुझे जब समझ में नहीं आता था तो मैं बहुत निराश होता था कि मुझे रीजनिंग नहीं आती है, या मैथ हमारा उतना अच्छा नहीं था, तो वो चीज़ें जब नहीं आती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर को मैं ये सारी चीज़ बताऊं कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से समझाएं। बाकी के लोग समझ रहे थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पहले से कोचिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं थी हमारे लिए। फिर मैंने प्रयास किया, और एक कहने का जब सर से प्रयास किया तो नहीं कर पाया मैं। उसके बाद मैंने उनके लिए एक चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी मैंने देने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो चिट्ठी उनको नहीं दे पाया। और जो रजिस्टर था जिसमें हम कुछ नोट्स वगैरह बनाते थे उसमें हमने उसको रख लिया, और फाइनल क्या हुआ कि वो लेटर था वो वहीं गिर गया, और अगले दिन वो हमारे जो सर थे उनको मिल गया। तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने किया कि ये कहा कि ये किसी बच्चे का है, तो वो हमसे अकेले में आकर के बात कर सकता है जिस भी बच्चे का हो। तो फाइनली मैं उनके पास गया और उनसे अपनी सारी समस्या बताई, तो उन्होंने हमें काफ़ी समझाया, कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ नहीं आती, आप चीज़ों को समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी, और उन्होंने थोड़ा सा हमें ध्यान देने का प्रयास किया। वहाँ से मैंने अपनी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम हमारा हो गया, और एग्ज़ाम में भी मैं थोड़ा सा बहुत समस्याएं हैं, हालांकि मैं एग्ज़ाम पास कर लिया। और उसके बाद मेरी फाइनली जो जिसे कहते हैं ना काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग होने के बाद मेरिट में हमने कॉलेज को चूज़ किया, और हमें मेरिट में कॉलेज करने के लिए मिल गया, वहाँ हमने एडमिशन ले लिया, बीएड हमारी स्टार्ट हो गई, जो कि 2012 में हमने बीएड को स्टार्ट कर दिया। बीएड हमारी होती हुई, इसी बीच हमारे बड़े भैया की शादी हो चुकी थी इससे पहले 2009 में। उसके बाद घटना एक बहुत बड़ी घटी, जो कि हमारे परिवार की ऐसी घटना थी, हमारी जो भाभी थी, हम सबकी प्यारी भाभी, वो एक्सपायर हो गई। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगा, सभी के साथ होता है सर, तो वो मैं उसको यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद मैं बीएड कर रहा था, तो ये हमारा परिवार का एक ऐसा दुखद समय था और तूफान वाला समय था जो हम सबको फेस करना पड़ा, और उस मुश्किल से हम लोग आज तक नहीं उठ पाए। हमारे परिवार में सब परेशान थे, हमारे घर में एक पैसा नहीं था, हमारी बीएड भी बीच में रुकने वाली थी या रुक गई थी, लेकिन किसी तरीके से हमारी बीएड जैसे तैसे हमारी पूरी हुई। उसके बाद हमने सोचा कि कहीं अब घर जाकर के हम क्या करें, क्योंकि हमारे पापा जी के पास इतना पैसा नहीं था जो हमारी घर बैठ के पढ़ाई करवा सकते हैं। हमने हार नहीं मानी और घर वापस नहीं गया। मैंने सोचा जो भी करना है अब मुझे यहीं करना है और अपने आप से करना है, जैसे भी करूँगा मैं खुद से करूँगा, मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। जॉब को ढूंढने लगा, जहाँ भी जाऊँ कोई फ्रेशर को जॉब देने वाला नहीं था।
प्रयास किया, प्रयास करता रहा। फाइनली मुझे एक जगह नौकरी मिली जो कि हिंदी टाइपिस्ट की थी, और थोड़ी बहुत मुझे टाइपिंग आती थी। जो मैंने बेसिक कंप्यूटर सीखा था वहाँ से हमने टाइपिंग सीखी थी। वहाँ जॉब की, वहाँ मैंने काफ़ी समय दिया, और इतना समय दिया कि वहाँ मैंने अपना लाइफ का बहुत कीमती समय दिया। तो जीवन में हर समय कठिनाइयाँ आपके साथ आती रहेंगी, आपको कठिनाइयों से डरना नहीं है। अब इसी बीच हमारे घर में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। पिताजी हमारे अकेले कमाने वाले थे, भाई की शादी और बहनों की शादी, और उसके बाद हम सबका पढ़ाई का खर्चा, ये सारा खर्चा करना अकेले पिताजी के बस की बात नहीं थी। हमने भी सोचा कुछ कमाए, तो फाइनली एक छोटी सी नौकरी हमने स्टार्ट की, और पढ़ता रहा, नौकरी भी करता रहा। बीएड हो गई कंप्लीट, उसके बाद यूपी टेट और बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए, लेकिन कहीं किसी में भी सफलता नहीं मिली। फिर हमारे घर में एक से एक बढ़कर घटनाएं होती रहीं, जिसमें हम उन चीज़ों को अगर सोचते हैं तो आज भी हमारी रूह कांप जाती है। और लेकिन हमने कभी भी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा, पीछे नहीं हटा, आगे प्रयास करता रहा, और आज भी कर रहा हूँ। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अगर करना है तो आप कभी भी कठिनाइयों से आपको भागना नहीं चाहिए।